नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एक तरफ तो AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बहुत परेशान है। जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके भड़काने की कोशिश हो रही है। अब अपने आप तो वो वक्फ बोर्ड के मसले में उलझे हुए हैं। और देखिए, हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली इलाके में जो अवैध मस्जिद का मामला था, जब वो मामला लगभग शांत हो गया था, सुलझा लिया गया था, तो उस अवैध मस्जिद के नाम पर फिर से लोगों को भड़काने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक नुमाइंदे को संजौली भेज दिया। दिल्ली में AIMIM के नेता शोएब जमई उनको समझा बुझाकर आग लगाने के मकसद से संजौली भेजा गया। और वहां जाकर शोएब जमुई ने क्या कुछ किया वो मैं आपको बताती हूं। शोएब जमई ने संजौली की मस्जिद के अंदर घुसकर भड़काऊ बयान दिया और बाकायदा एक वीडियो बनाया है। उसने मस्जिद के अंदर जाकर ये कहा कि मुसलमानों की आबादी कम होने के चलते मस्जिद कमेटी को समझौता करना पड़ा। आप सोचिए, जब ये बवाल पूरे चरम पर था तो मस्जिद कमेटी ने खुद MCD के कमिश्नर के सामने जाकर कहा था कि वो इलाके में सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि उनको बता दिया जाए कि कौन कौन सी मंजिल अवैध है, और वो खुद मस्जिद की उन अवैध मंजिलों को गिराने को तैयार हैं। जब ये बात खुद मस्जिद कमेटी ने जाकर कमिश्नर से कही थी, तो उसके बाद ये मामला लगभग सुलझ गया था। लेकिन ये मामला आसानी से सुलझ जाए और असदुद्दीन ओवैसी के पेट में दर्द ना हो, ये कैसे हो सकता है? असदुद्दीन ओवैसी को तो ये लग रहा है कि इस बहाने उनकी कम से कम हिमाचल प्रदेश में एंट्री हो सकती है। वो हिमाचल प्रदेश जहां पर AIMI का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी को तो दिक्कत ही हो रही थी कि एक बहुत बड़ा मसला उनके हाथ लग गया था हिमाचल प्रदेश में एंट्री करने का, और वो मसला अपने आप सुलझ गया, मस्जिद कमेटी के लोगों ने सुलझा दिया। तो ये बात उनको हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए ये शोएब जमई जो है इसको एक साजिश के तहत वहां भेजा गया। और इसने वहां जाते ही राग अलापना शुरू कर दिया कि मुसलमानों की आबादी कम होने के चलते मस्जिद कमेटी को ये समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और फिर उसने ये भी कहा कि वो इस मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। शोएब जमई ने जो वीडियो बनाया है मस्जिद के अंदर खड़े होकर, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों की कोई आबादी ही नहीं है यहां पर, मुसलमानों के पास कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है यहां पर, इसीलिए डर के मारे बैकफुट पर आ गई थी मस्जिद कमेटी। जब चौतरफा हिंदुओं ने उनको घेर लिया था तो मजबूरी में आकर मस्जिद कमेटी को यह समझौता करना पड़ा। लेकिन अब चूंकि वो आ गए हैं, वो आ गए हैं सबकी मदद करने के लिए, तो वो अब किसी भी कीमत पर इस मसले को सुलझने नहीं देंगे। आगे एक ट्वीट करके, अपना वीडियो शेयर करके शोएब जमई ने कहा, शिमला की संजौली मस्जिद के आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सबके ऊपर अवैध निर्माण हुआ है। उन सब की हाइट मस्जिद की हाइट से ज्यादा है। शिमला नगर निगम ने खुद 7,000 अवैध निर्माण चिन्हित किए थे। क्या सब पर बुलडोजर चलेगा या सिर्फ मस्जिद को निशाना बनाया गया? इस वीडियो में लाइव सबूत है। ये कहकर उन्होंने एक्स पर अपना वीडियो भी शेयर किया है। अब कोई समझाए असदुद्दीन ओवैसी के इस चेले को कि जो बाकी इमारतें आसपास बनी हुई हैं वो सरकारी जमीन को हड़प कर नहीं बनाई गई हैं। उनका बाकायदा नक्शा पास किया गया है। वो जमीनें उन लोगों की जिन्होंने उस पर मकान बनाए। लेकिन ये जो मस्जिद है इसकी 4 मंजिलें ही अवैध नहीं है, बल्कि यहां पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके कब्जा करके इस मस्जिद को बनाया गया है, इसलिए ये मस्जिद अवैध है। अधूरी जानकारी के साथ असदुद्दीन ओवैसी के ये नेता शिमला पहुंच गए लोगों को भड़काने के लिए। पहले पूरा जानकारी तो हासिल कर लेते कि वो मस्जिद बनी कैसे है, 2010 में कैसे बनाई गई। मामला विचाराधीन है, MCD कमिश्नर के पास है। सवाल तो ये है कि जब निर्माण पर रोक लगाई गई थी तो भी ये 3 मंजिलें कैसे बनाई गई और क्यों बनाई गई? और फिर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये जो शोएब जमई है ये उस
मस्जिद के अंदर कैसे घुस गए, जो सील कर दी गई है प्रशासन की तरफ से। उस मस्जिद के अंदर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन ये जनाब अंदर घुस कैसे गए? इनको तो सीधे सीधे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो ये जो मामला खत्म हो गया है, शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लिया गया है, उस मामले को फिर से उलझाना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने इसलिए समझौता कर लिया क्योंकि उनकी आबादी कम थी, उनका वहां पर कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं था। पूरे देश के मुसलमानों को, संजौली में रहने वाले मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए, और उनको सपोर्ट करने के लिए ही असदुद्दीन ओवैसी ने उनको खास तौर पर वहां भेजा है। और फिर बड़ा सवाल ये भी कि ये मस्जिद खुली कैसे थी, जो शहजाद नाम के वहां पर मौलवी हैं, जिन्होंने खुद एमसीडी की कमिश्नर के सामने जाकर यह हलफनामा दिया कि वो अवैध मंजिलों को खुद गिरा देंगे, तो उसके बाद उस मस्जिद को सील कर दिया गया था। तो जब मस्जिद सील हो गई थी तो उसके दरवाजे शोएब जमई के लिए किसने खोले? वीडियो सामने आने के बाद तो मस्जिद के जो मौलवी हैं शहजाद, वो ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था कि ये शख्स कौन है, किस पार्टी से संबंध रखता है, ये कैसे आ गया और उसने कैसे इस तरह का वीडियो बना दिया। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या मौलवी जो है शहजाद, उनकी जानकारी के बिना कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा मस्जिद के अंदर घुस सकता है और वीडियो बना सकता है? तो किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या ये मान लिया जाए कि जिस मस्जिद कमेटी ने खुद हलफनामा दिया कि वो अवैध मंजिलों को गिरा देंगे, वो सिर्फ एक अलतकिया था? अलतकिया में क्यों कह रही हूं, क्योंकि यहां पर शोएब जमई के संजौली मस्जिद के दौरे पर हिंदू जागरण मंच के नेता कमल गौतम ने भी सवाल उठाए हैं। कमल गौतम वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहले इस मस्जिद के अवैध होने के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि संजौली अवैध मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष निगम कमिश्नर और स्थानीय कांग्रेस विधायक के साथ जाकर लिखित में देता है कि हम अवैध मस्जिद स्वयं गिराने को तैयार हैं। हमने उसी समय कह दिया था कि ये लोग हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस्लाम की छलनीति अलतकिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से शोएब जमई ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने इसलिए समझौता कर लिया, मस्जिद कमेटी ने इसलिए समझौता कर लिया क्योंकि मुसलमानों की आबादी कम थी, तो कमल गौतम का कहना है कि हमने जो बात उस दिन कही थी वो अब सच साबित होती दिख रही है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि संजौली में इस अवैध मस्जिद को, जिसको कि सील कर दिया गया था, उसके अंदर खड़े होकर इतनी हिम्मत कैसे हो गई शोएब जमई की कि वो आसपास बनी सारी इमारतों को अवैध बता रहा है? ये कौन सी साजिश है? और फिर कह रहा है कि हिमाचल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, और ये भी कि सिर्फ मस्जिद नहीं गिरेगी, अवैध तो बाकी इमारतें भी हैं। वो 7,000 इमारतें जिनकी लिस्ट पता नहीं शोएब जमई को कहां से मिल गई, वो उस लिस्ट को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट जाएंगे और ये गुहार लगाएंगे कि अगर मस्जिद गिरती है कि वो अवैध है, तो बाकी की 7,000 इमारतों को, जो घर हैं, उनको भी गिराया जाना चाहिए। ये षड्यंत्र रच रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, खुद हैदराबाद में बैठे हैं, लेकिन शोएब जमई को यही साजिश करने के लिए शिमला भेजा गया है। ऐसे में कमल गौतम ने ये सवाल भी उठाया कि शिमला प्रशासन और शिमला पुलिस से वो पूछना चाहते हैं कि जब विवादित स्थल है जो सील कर दिया गया है, उसमें बाकी लोगों को जाने की परमिशन नहीं है, तो फिर शोएब जमई को अंदर जाने की परमिशन किसने दी? और यही सवाल उठ रहा है क्योंकि अगर मस्जिद कमेटी के मौलाना शहजाद ये कहते हैं कि उनको तो पता ही नहीं है कि ये शख्स किस पार्टी से ताल्लुक रखता है और वो उसके बयान से सहमत नहीं है, तो फिर किसके शय पर वो सील की गई मस्जिद के अंदर घुसा? सवाल तो ये है। और फिर आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी को कितनी मिर्ची लगी थी जब ये मुद्दा सबसे पहले सामने आया था, जब सुक्खू सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के अंदर इस अवैध मस्जिद का मामला उठाया था, तो ये ट्वीट किया था असदुद्दीन ओवैसी ने और लिखा था, क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत, ये वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की जुबान बोल रहा है। ये आरोप लगाया था इस पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर,
और फिर ये भी कहा था कि हिमाचल के संजौली में मस्जिद बनाई जा रही है, उसके निर्माण को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन उसको अवैध बताने पर उतारू है कांग्रेस के एक नेता, कांग्रेस के एक मंत्री। ये किस तरह की साजिश हो रही है मुसलमानों के साथ, ये रंग देने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी ने की थी। तो जब मामला आसानी से सुलझ गया, मस्जिद कमेटी ने कहा कि हम खुद अवैध मंजिलों को गिरा देंगे, तो ये बात असदुद्दीन ओवैसी हजम नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने भी जमाई के इस बयान की आलोचना की है, और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने भी ये गुहार लगाई है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो एक ऐसी मस्जिद में क्यों घुस गए जो अवैध है और जिसे सील किया है प्रशासन ने, किस साजिश के तहत वहां पर घुस गए। सीधे सीधे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि मस्जिद कमेटी के लोगों ने भले ही वो हलफनामा MCD कमिश्नर को दिया था कि वो खुद मस्जिद की अवैध मंजिलें गिरा देंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने AIM के साथ उनका कोई समझौता हो गया हो, कोई डील हो गई हो, इसीलिए जमाई दौड़े दौड़े भागे भागे संजौली पहुंच गए। क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कतई नजर नहीं आता। मौलाना शहजाद भले ही सबके सामने ये कह रहे हैं कि वो नहीं जानते कि शोएब जमाई कौन है और किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो सवाल तो उन्हीं से है कि जिसको वो जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उस शख्स को उन्होंने इस अवैध मस्जिद के अंदर आने क्यों दिया। और जो मस्जिद सील हो चुकी है उसके अंदर वो खुद भी क्यों रह रहे थे, उनको भी अंदर रहने की परमिशन किसने दी। तो पहले दिन से जो कहा जा रहा है कि सुक्खू सरकार ने अंदर खाने मस्जिद कमेटी के साथ सांठगांठ करके उस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें राजी किया था कि वो एक ऐसा हलफनामा कमिश्नर के सामने दे दें जिससे बात बन जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसी के तहत वो हलफनामा मस्जिद कमेटी ने दिया था। लेकिन अब जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नेता वहां जाकर आग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो सुक्खू सरकार को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन फिर ऐसा हो तो कैसे हो, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का क्या होगा और मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा। हिमाचल प्रदेश में भले ही 2.5% ही है मुस्लिम आबादी, लेकिन कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बैंक जो पूरे देश में है मुसलमानों का, उस पर तो असर पड़ेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस मामले को लेकर भी सुक्खू सरकार अब घिर गई है। शोएब जमाई के खिलाफ कार्रवाई की जाए या ना की जाए, यह भी एक बड़ा सवाल है। जबकि सुक्खू सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं कि शोएब जमाई के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में असदुद्दीन ओवैसी के नेता शोएब जमाई के खिलाफ सुक्खू सरकार कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।